सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दूर ग्रेट डे ऑफ ऑफरी डिस तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और तुरंत से शुरू करते हैं और कल का जो क्वेश्चन था कि फाइंड एन इथ नोट फ्रॉम एंड ऑफ द लिंगलिस्ट तो वो काफी सिंपल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था इसलिए मैंने उस वीडियो को स्किप किया था आज का क्वेश्चन देखते हैं सो क्वेश्चन नेम इज कैमल फेस पैटर्न मैचिंग स पता नहीं क्या होता है कि पहला जैसे वेलकम geek राइट right? तो नो की वेलकम इज वर्ड एंड गीक इज वर्ड राइट हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बस ऐसा लिखते हैं डब्ल्यू कैपिटल जी को कैपिटल राइट ठीक है इन प्रिंट ऑल इन लेक्सोग्राफिकल इन द मैचेस द गिवन पैटर्न कंसिस्टिंग ठीक है सो फॉर गी फॉर गीक फॉर गीक्स मैच द पैटर्न ऑफ जी एफ जी राइट ठीक है तो हमें बस जो कैमल केस का जो अपर केस लेटर है हमें उनको उठाना है दैट विल बी द पैटर्न फॉर दिस पर्टिकुलर गीक्स फॉर गीक्स बिकॉज इफ यी कंबाइन ऑल द कैपिटल लेटर्स इन द गीक्स फॉर ओके दे हैव एक्सप्लेन इट वेल एंड गुड कैमल केस इज द प्रैक्टिस राइटिंग कंपाउंड वर्ड्स और फेसेस हाँ ये सही बात है यार हम इसलिए कैमल केस यूज करते हैं लेट्स से एग्जांपल भी दे रखे देखो पावर पॉइंट पे दोनों पी कैपिटल है सिमिलरली फॉर गीक्स गीक्स फॉर जी एफ एन जी आर कैपिटल राइट ठीक है तो हमें कुछ रखा है तीन स्ट्रिंग दे रखे हैं हमारे पास पैटर्न है डब्ल्यू टी जी ठीक है तो वेल वेलकम गीक में हमारे पास पैटर्न क्या है डब्ल्यू और जी तो हमें चाहिए डब्ल्यू टी जी तो ये ये रिजेक्ट हो जाएगा सिमिलरली वेलकम टू गीक्स गीक मेरे में पास पैटर्न क्या है डब्ल्यू टी जी एफ जी तो डब्ल्यू टी जी तक है हमारे पास और हमें ये पैटर्न बस होना चाहिए जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली इसी की बस ये एज अ सबस्ट्रिंग होना चाहिए राइट स्टार्टिंग से लेकर के किसी पॉइंट तक होना चाहिए बाकी अगर है तो उसे भी इंक्लूड कर लो इन एन आंसर बट येस स्ट्रिक्टली ये पैटर्न बस ऐसा नहीं होना चाहिए दैट पैटर्न शुड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट कैमल केस ठीक है सिमिलरली फॉर गीक्स गीग्स गीक्स फॉर गीक्स यहाँ पे जी एफ जी है बट द पैटर्न इज डब्ल्यू टी जी इसलिए हमारे पास सिर्फ ये आंसर हुआ राइट right? तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग डाल दूँ जैसे आ, मैंने यहाँ डाल रखा है कस्टम इनपुट में अगर मैं इसमें स्ट्रिंग डाल दे एक और लैस जैसे वर्क द ग्राउंड एंड वर्क द जिम जहां पे पैटर्न डब्ल्यू टीजी और अगर अब मैं कंपाइल करूँ तो ये ये तो प्रिंट होना ही चाहिए वेलकम टू फॉर गीक्स साथ ही साथ जो मैंने डब्ल्यू टीजी के लिए दो अनदर स्ट्रिंग डाले थे वो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट में आना चाहिए तो देख लेते हैं ग्रेट तो हमारे पास ये दोनों चीज भी आ रही है वर्क द ग्राउंड वर्क द जिम ठीक है हम कैसे कर सकते हैं यार प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक इन इन एन अप्रोच द हिंट इज दैट यू कैन यूज ट्राई ठीक है तो हम ट्राई कैसे बिल्ड करेंगे यहाँ पर हम वो देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले एक रूट नोड होगा राइट और फोर दोज डोंट नो कि ट्राई कैसे बिल्ड होता है मैंने पीओटी डी 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 के प्लेलिस्ट में कोई ट्राई पे बहुत बार क्वेश्चन बना रखा है आप पीओटी प्लेलिस्ट को खोलो उसमें कंट्रोल एफ यूज करो ट्राई लिखो वहाँ पे वो कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगा आप समझ लेना ट्राई कैसे बनाते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे ट्राई बनाएंगे लोअर किस लेटर्स का नहीं बट कैपिटल लेटर्स का बनाएंगे सो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या कैपिटल लेटर्स क्या है डब्ल्यू जी और यहाँ पर क्या है डब्ल्यू टी जी एफ जी सिमिलरलीस लेके आए जी एफ जी हम इसका यूज करके बनाएंगे तो हमारे पास डब्ल्यू आ गया फिर फर्स्ट वर्ड के लिए डब्ल्यू जी आ गया राइट तो जैसे ही हमारा जो एंड होगा राइट जहा पे जो भी एंड होगा हम वहां पर इस स्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे वेलकम गीक राइट इसका मतलब कि हर एक नोड के पास हर एक नोड के पास एक ट्वेंटी सिक्स कैरेक्टर सेल तो होगा ही साथ ही साथ एक और एरे लिस्ट भी होगी एक एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी राइट जिसमें आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो

तीसरा थी, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है वो जी से स्टार्ट हो रहा है तो रूट नोट के पास कोई जी स्ट्रिंग नहीं है तो हम जी सेल नहीं है तो हम जी बना लेंगे और जी के बाद हम क्या बनाएंगे एफ उसके बाद क्या बनाएंगे हम अगेन जी राइट और यहाँ पे जहाँ पे भी कैमल केस के लास्ट अपर केस लेटर एंड हो रहे हैं वहाँ पर हम अपना पूरा स्ट्रिंग डाल देंगे यहाँ पे राइट ठीक है तो एर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों बनाया यार देखो ये भी हो सकता था कि जी एफ जी तो भी यहाँ पे गीक्स और गीक्स है बट जी एफ जी का एक और स्ट्रिंग भी लेथ से हो सकता था गो फॉर गो राइट गो फॉर गो तो सभी हम ट्राई में क्या करते हैं यहाँ पे जो एरे लिस्ट है यहाँ पर एक और स्ट्रिंग हो जाती है गो फॉर गो राइट यहाँ पे इसलिए हमने एरे लिस्ट बनाया बट हमारे करंट एग्जाम्पल में ये चीज नहीं है बट मैंने समझा दिया क्यों बनाया राइट right? ठीक है सिमिलरली हमने क्या एग्जाम्पल देखा था डब्लू टी जी के लिए वर्क द ग्राउंड राइट तो वो यहाँ पे सेव हो जाता वर्क द ग्राउंड और वर्क द जिम दोनों यहाँ पे सेव हो जाते हैं right? राइट दोनों स्ट्रिंग आई पे गेटिंग द पॉइंट ठीक है तो हम एक बिल्ड का फंक्शन बनाएंगे यार डेफिनेटली फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड दिस ट्राई राइट फिर हम क्या करेंगे बिल्ड करने के बाद वी शुड में हम क्या पास करेंगे अपना पैटर्न पास करेंगे यार. जी right? तो है, 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 है यहाँ पे भी आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंटर उस नोड का जहाँ पे पैटर्न एंड होता है राइट right? जे अगर यहाँ पे पैटर्न एंड हुआ तो हमें क्या चाहिए कि डब्ल्यू जी बस पार्ट होना चाहिए मतलब ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये जो रेस्ट ऑफ द ब्रांचेज है जो एफ जी भी है राइट right? तो हमें इसके चिल्ड्रन सेल में ट्रेवल्स करना होगा राइट फॉर ऑल द चिल्ड्रन सेल राइट और अगर ये लेट्स से यहाँ पर भी कोई स्ट्रिंग होती राइट गो टू गो फॉर लेट्स से ऐसी कोई स्ट्रिंग होती वो यहाँ पर होती तो हमें उसे भी प्रिंट करना होता राइट right? तो एक फंक्शन होगा हमारे पास लेट्स से प्रिंट ऑल वर्ड्स राइट प्रिंट ऑल वर्ड जो कि फाइंड में ही कॉल होगा फाइंड के अंदर में कॉल होगा राइट जैसे ही हमारे पास पैटर्न मिल गया प्रिंट ऑल वर्ड्स करेंगे दैट इज कि जी पे एंड हुआ हमारा तो जी के सारे स्ट्रिंग को ऐड करो जो भी इसके आर लिस्ट में है राइट जी के नोड पे यहाँ पे कुछ नहीं बटलेट से होता तो ऐड करते हैं देन अगेन ट्रेवल्स फॉर इट्स चिल्ड्रन एट द नोड फॉर रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन राइट तो मतलब खुद ही के चिल्ड्रन के लिए हम बार बार प्रिंट ऑल द वर्ड्स कॉल करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये पूरा ब्रांच एंड ना हो जाए आई होप यू आर वी आर क्लियर एट दिस पॉइंट बट इट इज ऑलवेज इनकरेज टू ड्राई रन दी अनदर टेस्ट केस एज वेल ठीक है तो चलो कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं प्लीज है तो ट्राई का हमेशा एक बिल्ड होता है, एक होता है, एक होता है। एक बार लो। आपने पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है वही टेम्पलेट हर जगह कॉपी पेस्ट होता है यहाँ पे बस एक थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन में कि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड की ट्राई के अंदर राइट ट्राई नोड में ठीक है चलो शुरू करते हैं एक एक करके तो मैं सबसे पहले ट्राई क्लास बनाता हूँ वो समझाता हूँ फिर बिल्ड फाइंड और पैटर्न सब कुछ समझते हैं एक एक करके ठीक है यार तो ये हमारा ट्राई क्लास ट्राई जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे ऑफ कितने कितने नंबर ऑफ जो लीनियर आ रहे होगा उसका साइज ट्वेंटी सिक्स होगा राइट क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं अरे ए से लेके जेड तक हो सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए अपर केस केज ट्वेंटी इनिशियली वी हैव ऑल मार्क दो कैरेक्टर्स एज नल एंट्री जो भी उसकी एंट्री हमने नल मार्क किया और हमारे साथ साथ एक एक आर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी होगा राइट सो वी हैव जस्ट इनिशियलाइज दैट लिस्ट एज न्यू इनिशलाइज लिस्ट हमने बस स्पेस इनिशियलाइज कर दिया राइट ठीक है तो अब बिल्ड का फंक्शन बिल्ड देखते हैं और फाइंड देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास बिल्ड यार तो लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग पास होगी इसके पैरामीटर्स में और दो रूट नोट पास होगा राइट और जो डिक्शनरी होगी हमारे पास ये डिक्शनरी फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इन दैट डिक्शनरी हमें उसके लिए ट्रेट करना है तो दैट इज द फॉर उप हेयर कि हम सबसे पहले उस डिक्शनरी के सारे स्ट्रिंग में कर गए अब हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को उठाना पड़ेगा राइट और कैरेक्टर क्या सिर्फ अपर केस के साथ ही हमें बिल्ड ट्री करना है राइट बिल्ड ट्राई करना है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था द थिंग विच आई जस्ट शोड यू हेयर

आफ्टर बिल्डिंग द ट्राई फॉर द अपर किस कैरेक्टर वी हेव टू एट लाइन कर दिए चलो फाइंड देख लेते हैं तुरंत से ठीक है तो फाइंड में क्या पैरामीटर पास होंगे हमारे पास एक स्ट्रिंग एस होगी स्ट्रिंग एस क्या होगी वो एक्चुअली में एक पैटर्न होगी तो हमारे पास ये पैटर्न पास हो रहा है और रूट नोट पास हो रहा है हमारे ट्राई का ठीक है सो नाउ वी आर रिट्रीटिंग इन दी ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न गिवन और हम चेक कर रहे हैं कि इफ एट एनी पॉइंट द होल पैटर्न इज नॉट प्रेजेंट देन हमें क्या बोलना है कि वो पैटर्न प्रेजेंट ही नहीं है रिटर्न कर दो लेट्स ए फॉर डब्ल्यू टी जी हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं होती जिसमें डब्बू uh, था बट लेट्स से टी नोड ही नहीं होता हमारे पास तो हम उसी समय बोलते थे कि भाई जो तुमने जो पैटर्न दिया है दैट डज नॉट एग्जिस्ट हमारे किसी भी इस ट्राई में तो वहां से हम क्या बोलते रिटर्न जीरो आंसर पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर पॉसिबल है जैसे डब्ल्यू है पॉसिबल तो उसके नेक्स्ट में चेक करो राइट अगर उसका नेक्स्ट चिल्ड्रन टी है राइट अगर वो नल नहीं है तो फिर उस उसमें आगे बढ़ जाओ राइट तो सिमिलरली डब्ल्यू टी जी के बाद जो रूट होगा जो रूट होगा वो जी पे पॉइंट कर रहा होगा राइट यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था एक बार तुरंत तो से देख लेते हैं यहाँ पे जब फाइंड फाइंड किया तो यहाँ पे हमारा रूट पॉइंट करेगा डब्ल्यू टीजी के लिए राइट फिर हम क्या करेंगे अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होती तो हमें उसे भी प्रिंट करना था सिमिलरली इसके आगे जितने भी ब्रांचेस हैं जितने भी चाइल्ड है उसके उन सबके स्ट्रिंग को प्रिंट करना था राइट तो व्हाट वी विल डू दैट वी विल इटरेट फॉर अगेन इसके चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं ट्वेंटी सिक्स चिल्ड्रन ही हो सकते हैं राइट तो हम एक फॉर लूप लाएंगे अगर चिल्ड्रन एग्जिस्ट करता है अगेन से सेम फंक्शन वापस से कॉल कर दो राइट वही देखो कि यहाँ पे किया प्रिंट ऑल वर्ड्स का भी इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया प्रिंट ऑल का यार हम आ, सबसे पहले तो जहां पर रूट नोड है हमारा वो जी पे राइट तो उसमें जितने भी स्ट्रिंग जितने भी स्ट्रिंग है लिस्ट लिस्ट में उस लिस्ट में डॉट डॉट रूट एल से हम अंदर गए और सारे स्ट्रिंग को ऐड किया देन वी ट्रेटेड फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग एंड डिड द सेम फॉर इट्स चाइल्ड राइट ठीक है यार ये तो हमारा बिल्ड फाइंड एंड प्रिंट ऑल वर्ड्स हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज सी बट इन्होंने ये भी बोला था कि यू हैव टू प्रिंट योर आंसर इन लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड राइट तो ठीक है वो भी कर लेते हैं आप ठीक है तो आप उसे भी हैंडल कर ले सबसे तो पहले हमने क्या किया मेन फंक्शन में जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा था तो हमने वी मेड अ रूट नोट बिल्ड एंड फाइंड द पैटर्न राइट बिल्ड किया फाइंड किया बट हम हमारे पास एक आंसर है जहाँ पे सारे आंसर स्टोर हो रहे हैं राइट इफ यू कैन सी इन द प्रिंट ऑल थिंग वी आर ऑलवेज एडिंग इन दिस आर ग्लोबल एरलिस्ट राइट जो सारे फंक्शन को एक्सेस है ये क्योंकि हमने इसे आ, Uh, सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है तो हमने आ, उन्होंने बोला था लेक्सोग्राफली सॉर्ट एड करो हमनेशन इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है हमने शॉर्ट कर, कर लिया एंड अगर कुछ भी अगर कोई भी स्ट्रिंग उस आंसर एरालिस्ट में नहीं है तो क्वेश्चन ने कहा है यू हैडिंग माइनस वन एंड द आंसर सो दट इज इट यार लॉजिक uh, बहुत बहुत ही सिंपल था कोड लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा इफ एट ऑल यू हैव कोडेड द ट्राई प्रॉब्लम वंस इन योर इंटायर जर्नी ऑफ लर्निंग द डीएसए बट अगर आपने बॉले प्लेट पहले ही कोड कर रखा था अगर एक बार पढ़ भी रखा था तो बहुत ईजी हो गया होगा ये करना ठीक है ठीक है यार तो दैर इज इट इसे मैंने कंपाइल कर रखा है देख लो यहाँ पे वी कैन गेट द सेम आउटपुट राइट Uh, मैंने दो सिंग ऐड की थी राइट डब्लू टी जी के लिए दैट इज वाई वी हैव टू मोर सिंग इन द आंसर एज वेल इन योर आउटपुट एंड एक्सपेक्ट आउटपुट लेट एस एट दबमिट बटन एन सी कि ये होता है कि नहीं मीन वाई लेट इस वेरीफाई द कंस्टेंट एनके डायगाम क्या होगी टाइम कॉम्पलेक्सिटी क्या होगी यार की यहाँ पर जो हमने बिल्ड कर रहा है राइट फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग वी आर रिट्रीटिंग इन द कैरेक्टर्स फॉर दी अपर केस कैरेक्टर्स राइट तो हम मैक्सिमो डायंगी क्या यूज करेंगे तो इसकी वर्स्ट केस वर्स्टोमिस्टी क्या हो जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग इंटू द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग लेंथ राइट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम जो स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स उन्हीं को यूज करके नोट बिल्ड कर रहे हैं राइट फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग स्ट्रिंग सो द लॉन्गेस्ट लेंथ इसकी हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही हो जाएगी यार एन इंटू द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग लेंथ राइट नहीं वो तो हम सारे स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं तो एन इंटू एस हो जाएगा ठीक है एन इन एस इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ये ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तो कॉन्स्टेंट होता है तो n तो डेफिनेटली नहीं होगा फॉर ईच एंड एवरी गिविंग दिस पेट स्टार एस वो भी होना चाहिए बट अगेन इफ यू यू मल्टीप्लाई एन स्टार इज थाउजेंड इन टू हंड्रेड विल गिव ये पॉ फाइव टेन पॉल एट दट इज गेट सबमिटेड एज वेल सो ठीक है तुरंत सी प्लस कोड देखते हैं मूव ओके अगेन वी अ ट्राई एंड देन वी हैव दिस फाइन फंक्शन एंड वी हैव दिस प्रिंट वर्ड्स फंक्शन एंड दैर इज इट Uh, हमने यहाँ पर जस्ट उसे शॉर्ट किया है बिफोर रिटर्निंग आर आंसर एंड दैट सेट यार मैं दोनों कोड्स को अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा इन द डीएसआर ए पॉजिटिव कैन गेट हेल्प विद दैट सो फ्यू लास्ट थिंग दैट यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक इंस्टा टू गेट टू गेट हेल्प और गाइडेंस इफ यू मे हैव एंड येस मिलते हैं कल के पीड्स वीक के डे टू हंड्रेड सिक्सटीन में टू दे कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग बाय एंड टेक केयर